घोड़े वाले मिलेंगे जो नॉर्मली हेमकुंड साहब के लिए आपको पूछ रहे होंगे 800 रुपये 1000 रुपये जो भी रेट सेट होता है आपसे बुकिंग कर लेंगे और आपको टिकट यहीं से लेना सर। पानी बहता हुआ सामने बड़े बड़े पहाड़ नदियाँ तूफान की तरह गरजती हुई बहती हैं जहाँ पहाड़ आसमान को भी एक बार खुद में कॉम्प्लेक्स दे देते हैं और ये पत्थर लगता है जैसे अंगद का पांव किसी में हिम्मत नहीं होगी इनको हिला देने की। एक बोर्ड मुझे दिखा है यहाँ से वो क्लाइंब शुरू होती है पुल के पास से ये जो छोटा सा गांव आपको नज़र आ रहा है इसको नाम है घागरिया और हम रात को यहीं पर रुके थे। कल हमने 10 किलोमीटर का ट्रैक कंप्लीट किया और आज वैली फ्लावर का 4 किलोमीटर का ट्रैक कंप्लीट करेंगे। जैसे आप बाहर निकलेंगे ना सिटी से आपको ये घोड़े वाले मिलेंगे जो नॉर्मली हेमकुंड साहब के लिए आपको पूछ रहे होंगे 800 रुपये 1000 रुपये जो भी रेट सेट होता है आपसे बुकिंग कर लेंगे और आपको ऊपर तक ले जाएंगे। अगर आप मुझसे पूछें तो 800 रुपये वर्थ है 1000 रुपये भी वर्थ है क्योंकि इतना डिफ़िकल्ट ट्रैक है कि आप अकेले उसको करने का सोच भी नहीं सकते। 800 रुपये घोड़े पे। अच्छा ये आपको 2.5 किलोमीटर पहले ड्रॉप करेंगे ये बात आपको ध्यान रखनी है। आखिर का 2.5 किलोमीटर जहाँ से ग्लेशियर शुरू होता है क्योंकि रास्ता छोटा है वहाँ इन पोनीज का जाना या हॉर्सेज का जाना अलाउड नहीं है इसलिए आपको वहाँ वो पैदल ही करना है। तो 3.5 किलोमीटर का आप कहीं ना कहीं 300-1000 रुपये पे करना है। और ये घोड़ा घोड़ा अगर बोले ना तो उसका मतलब है कि ये खाली है इनको सवारी चाहिए तो घोड़ा घोड़ा घोड़े भैया साइड में जाने के लिए। ये देखिए ये इस तरह से पूछते हुए चलेंगे आप नज़ारा देखिए खूबसूरत है एकदम बढ़िया बहुत मैसी है स्मेली है ये स्टार्टिंग वाला पॉइंट जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलिए। 1.5 किलोमीटर कह रहे हैं जाकर के एक लेफ्ट डाइवर्जन है वैली ऑफ फ्लावर के लिए तो सेम ट्रैक जाएगा हेमकुंड साहब सेम ट्रैक जाएगा वैली ऑफ फ्रॉम टिकट यहीं से लेना सर। लीजिए करीब 700 मीटर चलने के बाद मैं पहुंचा हूं इस जगह पर जो जिसने आते ही मेरा दिल जीत लिया बहुत खूबसूरत है। शायद फॉरेस्ट गार्ड इसी पुल की बात कर रहे थे जहां मैं अभी पहुंचा हूं। आप भी देखिए इसे ये है वो वाटर स्ट्रीम जल धारा जो बह करके ग्लेशियर के पिघलने पर बहती हुई यहां से आती है और मंदाकिनी नदी में मिलती है। कितना खूबसूरत पुल है पहली नज़र का प्यार है मेरा वैली ऑफ फ्लावर के साथ। जैसे मैंने वो चेक पोस्ट क्रॉस की थी मेरा दिल कह उठा था यही है वो यही है राइट चॉइस पे भी। ये देखिए खूबसूरत वाटर स्ट्रीम कैसे पानी बहता हुआ सामने बड़े बड़े पहाड़ और एक एरियल व्यू और देखिए पहाड़ की चोटी पे बर्फ़ है अभी तक और ये पहाड़ देखिए कितना ऊंचा है। ओह माय गॉड स्ट्रेट क्लाइम आपको नहीं लगता किसी रॉक क्लाइंबर के लिए ये हेवन जैसा होगा इसको याद है ज़रूर रॉक क्लाइंबिंग ट्राई करनी चाहिए। और वो देखिए सामने ग्लेशियर और ये बहता हुआ पानी और ये पुल और मैं I love this place. I wish मैं यहाँ ठहर जाऊँ मैं यहाँ रुक जाऊँ मैं यहीं का होकर रह जाऊँ जहाँ नदियाँ तूफान की तरह गरजती हुई बहती हैं जहाँ पहाड़ आसमान को भी एक बार खुद में कॉम्प्लेक्स दे देते हैं और ये पत्थर लगता है जैसे अंगद का पांव
किसी में हिम्मत नहीं होगी इनको हिला देने की। एक बोर्ड मुझे दिखा है, यहाँ से वो क्लाइंब शुरू होती है पुल के पास से जिसकी बात कर रहे थे। फूलों की घाटी 2 किलोमीटर आगे है और ये जो है ये इसकी क्लाइंब की तरह होगा। जहाँ ये 2 किलोमीटर का क्लाइंब ख़त्म होगा वहाँ से शुरू हो गई। गोली सी सूरत आँखों में मस्ती, हाय हाय। 2 किलोमीटर दूर खड़ी हो गए मेरी महबूबा मुस्कुराती हुई। देखिए स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह से है। यहाँ सीढ़ियाँ हैं, थोड़ा रास्ता बनाया गया है, बस आप पहाड़ पर चढ़ते रहिए, क्लाइंब करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आप नज़ारे एंजॉय करिए, मैं तो पक करता रहूँगा कभी भी। ये है वो खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे। मुझे कुछ लोग नज़र आए हैं फोटो खींचते हुए अपनी। यहाँ तक 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है और ये 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस 500 मीटर आप पहले लगा के चलिए जो स्टार्टिंग में था उस डाइवर्जन लेफ्ट टर्न के पहले जहाँ चेक पोस्ट थी। और 2 किलोमीटर में आगे आ चुका हूँ, अभी तक 3 है तो 1 किलोमीटर का क्लाइम है अभी। और ब्रिथ टेकिंग व्यू है, जंगल बहुत खूबसूरत है, चिड़ियों की आवाज़ आप सुनिएगा कितनी अच्छी लगती है, देखिए एक बार सुन के आप। और ये है वो ट्रैक जिस पर चलते चलते मैं यहाँ पहुँच रहा हूँ, देखिए है ना शानदार, कुछ इस तरह से थोड़ा ऊपर वो देखिए आप, एक बड़ा रॉक है, रॉक के साथ से रास्ता बनाया जाने का। पहले पेड़ हुआ करता था, आंधी तूफान में टूटा होगा क्योंकि कटने के तो सही नहीं है इसमें, और तब से ये ऐसे ही है। ये आप सामने बड़ा पहाड़ देख रहे हैं, कुछ इस तरह से ही देखिए ये बड़ा पहाड़, और इसकी शेप देखिए आप, जैसे किसी ने काट दिया हो बहुत बड़ा ब्लेड लेकर के। और कुछ ऐसा ही पहाड़ आपको मेरे राइट में नज़र आ रहा होगा, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ आप जंगल उगाया है। ये वाटर की फोर्स है, वाटर का जो फोर्स है इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि
बड़े बड़े पहाड़ों को काट कर अपने लिए बहती हुई धारा रास्ता बना लेती है। ये उसी का एक एग्जाम्पल मुझे दिखता है। पूरे रॉक ऐसे कटे हैं जैसे बहुत किसी बहुत स्मूथ आरे से या ब्लेड से इनको काट दिया गया। ऑफकोर्स बहुत पहले ये घटना हुई होगी, पर जब भी हुई, जितने भी बरसों में हुई, ऐसे ही हुई होगी। अब ये पानी की धारा बहती हुई वो नीचे से निकलती है, कभी यहाँ से निकलती रही होगी वो ना, पहाड़े से कैसे कट सकते हैं। एक और चीज़ हो सकती है कि अगर ये विंड टनल का काम करती है, हवा यहाँ बहुत तेज़ चलती है जैसे लद्दाख खड़े में चलती है, तब भी वो इसी हवा भी इस तरह से ही काटती है या काट सकती है। वो नज़ारा देखिए आप ऊपर, ये देखिए ऐसे पहाड़ कौन काटता है, या तो हवा या पानी। मेरे को यहाँ पानी के द्वारा कटे होने के चांस ज़्यादा नज़र आते हैं, हवा नहीं, इस जगह पे हवा नहीं चलती है ना, यहाँ विंड उतना स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि हवा का बार बार और लगातार चलना जरूरी है। आप रास्ता एंजॉय करिए, देखिए कितना खूबसूरत व्यू है। DFO यानी डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर, उन्होंने जगह जगह इस तरह के साइन लिख के लगाए हैं, अलग अलग मैसेजेस हैं हम सब के लिए। यहाँ लिखा है कि इस जगह पे पत्थर गिरने का डर है, तो देख के चले, आँख कान खुले रखें, पत्थर तो पहाड़ों पे कहीं भी गिर सकते हैं। पहाड़ पर चढ़ना है मुझे, रास्ता इस तरह से बनाया है। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, उस ग्लेशियर और इस पहाड़ के बीच से जब मैं निकलूँगा, तब मुझे पहला नज़ारा दिखेगा वैली ऑफ फ्लावर का। देख लीजिए, मेरे अंदाजे ज़्यादातर तो सही साबित होते हैं, आज तक ये भी सही हो सकता है, होगा ही। चलिए चलते हैं। अब मैं जो जंगल था उसकी हद से बाहर आ गया हूँ, बड़े पेड़ अब ख़त्म होने लगे हैं, अब उनकी जगह छोटी झाड़ियों ने ले ली है, छोटे छोटे पेड़ हैं। पसीना जब आता है ना आँखों में लगता है, कहीं बैठूंगा थोड़ी देर, थोड़ा रेस्ट करूँगा, यहाँ से नज़ारे देखूँगा। देखिए वो हिस्ट्री वहाँ था मैं कुछ देर पहले, और ये ऊपर से ग्लेशियर का नज़ारा, बहुत नज़दीक हूँ। नीचे था तो ये पहाड़ कितना बड़ा लग रहा था मुझे, अब मैं इस पहाड़ के कहीं ना कहीं मिडिल से थोड़ा ऊपर तक आ गया हूँ, उस पहाड़ तक पहुँचना है। दोनों की हाइट देखने कितनी सही है। आजकल नदियों में पानी कम बहता है, पहले ज़्यादा बहता था, और इस वजह से वो इतना इतने चौड़े एरिया में पहाड़ को काट कर अपने लिए रास्ता बनाती हुई निकलती थी। वैली ऑफ फ्लावर में अगर फ्लावर नहीं भी हैं तो भी वैली का होना ही खुद में बहुत बड़ी बात है, बहुत खूबसूरत लगती है वो जगह। मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे करके जैकेट निकाल देनी चाहिए, मौसम में थोड़ी ठंडक तो है पर एकदम से गर्म कपड़े अगर आपने पहने मत निकालिएगा, बीमार होने का डर है। सो मैंने जैकेट की अभी सिर्फ जिप ओपन की है,
थोड़ी देर हवा लगेगी, अंदर जो टी शर्ट है वो गिली हो चुकी है, तो ज़रूरी है कि धीरे धीरे आप हवा लगने दें, थोड़ा नॉर्मल होने दें जैकेट के अंदर का टेम्परेचर, और फिर आप जैकेट निकालें। जो लोग सेंसिटिव है ना वेदर को लेके, उनके लिए बहुत ज़रूरी है ये, मैं उनमें से एक हूँ। ये देखिए अगला नज़ारा, फ्लावर्स तो आपको अभी भी नज़र आ रहे हैं, मुझे वाइट, पिंक, रेड ये फ्लावर अभी मैं देख पा रहा हूँ। यहाँ बहुत छोटे हैं साइज में, और मुझे येलो भी दिखने शुरू हुए काफ़ी सारे, इन पर नज़र नहीं पड़ी, येलो कलर थोड़ा देर से नज़र आता है। और वो सामने है खूबसूरत ग्लेशियर, ये देखिए है ना, और ये हमारा रास्ता। मेरा मानना ये है कि 1 किलोमीटर चलने के लिए आपको 1000 कदम रखने होते हैं, हर 1000 कदम पर हप, या मैं कहूँ अपना तो मैं 1 किलोमीटर चल जाता हूँ। तो कभी अगर आपकी, मेरे पास कोई ट्रैकर सिस्टम नहीं है तो मैं काउंट करूँ स्टेप को तो बता दूंगा कि करीब करीब 1 किलोमीटर मैं चल चुका हूँ। अगर स्टेयर्स हैं बीच में तो 1200 की रेंज में बनता है, 1200 कदम रखने के बाद मैं 1 किलोमीटर पूरा कर चुका होता हूँ। प्लेन रोड है, कदम थोड़े बड़े हो सकते हैं तो 1000, इस जगह पे मैं 1200 को कम करके चलूँगा, 1200 कदम, क्योंकि यहाँ आप एलिवेशन को भी कवर करते हैं अपने हर एक स्टेप के साथ, तो इसलिए आपकी जो स्टेप है उनका साइज कम हो जाता है। पर 1200 कदम चलने के बाद आप करीब करीब 1 किलोमीटर चल चुके होते हैं। आपको भी कभी ट्राई करना तो तरीका लगाइए, जो ये आपकी हाइट पे डिपेंड करेगा, मेरी हाइट 5'10" है, तो मैं ये तरीका लगाता हूँ तो काफ़ी हद तक सही साबित होता है। देखिए ये खूबसूरत जगह है, यहाँ थोड़ी देर बैठना बनता है, थोड़ा शरीर को रेस्ट भी मिल जाएगी। चल के तुझे मैं दिखलाऊं जीवन की नई राहें, बस प्यार ही प्यार पले इस नीले गगन के तले, चल के तुझे मैं दिखलाऊं जीवन की नई राहें, जहां गम भी ना हो खुशियां ही हो, बस प्यार ही प्यार पले इस नीले गगन के तले।